दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। बीआरसी सुंदरनगर ताराचंद ठाकुर का कहना है कि स्कूल खुलते ही बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। बच्चों का भी रुझान पढ़ाई के प्रति पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार सहित जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के तहत स्कूल द्वारा से खोल दिए गए हैं। 80% उपस्थिति सुंदरनगर के शिक्षा खंड में दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है। सुंदरनगर ब्लॉक में क्लास छठी में 686, सातवीं में 684 और आठवीं में 709 बच्चे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 2079 बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 80% बच्चे रोज पाठशाला में आ रहे हैं। तो बच्चों का और पेरेंट्स का स्कूल खुलने के प्रति बहुत उत्साह दिख रहा है। दूसरा, हमारे मार्च में छठी की, सातवीं की और आठवीं की एनुअल परीक्षाएं भी होनी है, जिसके लिए क्वेश्चन पेपर की डिमांड हमने डाइट मंडी को और बोर्ड धर्मशाला को भेज दी है। तो छठी और सातवीं के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डाइट मंडी देगी और जो आठवीं के क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड धर्मशाला देगा। आठवीं के लिए आंसर शीटें भी बोर्ड धर्मशाला ही देगा, जबकि छठी और सातवीं के जो आंसर शीटें होगी वो स्कूल अपने स्तर पर मैनेज करेगा। इसके अलावा हमारे स्कूलों में बहुत सी आजकल गतिविधियाँ भी चली है, जैसे SMC ट्रेनिंग, जिसमें बहुत से पेरेंट्स ने भाग भी लिया। SMC ट्रेनिंग में क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने छुट्टियों में किया, और जो अब एक महीना है उसमें अध्यापक क्या करेंगे उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो RTE एक्ट पे भी बात होगी, साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हाल में ही केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, उस पे भी सभी स्कूलों में अध्यापक और अभिभावक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले साल से छठी से बारहवीं तक सभी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में हमारे कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट और यूथ एंड इको क्लब की ग्रांट भी जारी हमने लगभग सितंबर कुछ दिसंबर में जारी की है, और उसका भी खर्च कर रहे हैं, और वो लगभग सभी स्कूलों से हमने अनुरोध किया है कि वो इस ग्रांट को लगभग 28 मार्च तक खर्च दे कर दें। जो SA2 के जो पेपर होंगे अभी जो मार्च में होंगे, जो अभी तक दिशा निर्देश हैं कि ये सारे ऑफलाइन ही होंगे। अभी हमारे हाल में FA4 के पेपर हुए हैं, FA4 जैसे FA1, FA2, FA3 और FA4 होते हैं, तो FA4 के जो पेपर हुए हैं वो ऑनलाइन भी हुए हैं, ऑफलाइन भी हुए। उसमें अभिभावकों को ये प्रेशराइज नहीं किया गया कि वो ऑफलाइन ही देने, वो बच्चों की इच्छा पर निर्भर था कि वो ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन, जैसा उनको उचित लगे उस तरह से। बोर्ड के आठवीं के पेपर ऑफलाइन होंगे, उसके क्वेश्चन पेपर भी बोर्ड देगा और आंसर शीटें भी बोर्ड ही देता है। मतलब स्कूलों में पेपर होंगे उनके, स्कूलों में पांचवी के भी, पांचवी के भी जी। ठीक। DK इलेक्ट्रॉनिक्स सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पर टीवी, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव, OTG, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, चिमनी, गैस स्टोव, मोबाइल फोन, डीप फ्रिजर, कूलर, काउंटर फ्रिज, कमर्शियल किचन आइटम, एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफायर, पावर टिलर, स्प्रे पंप, स्टील पावर चेन, वाटर गीजर, किचन अप्लायंसेस, फूड प्रोसेसर, मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, रूम हीटर इत्यादि उपलब्ध है। तो विजिट कीजिए DK इलेक्ट्रॉनिक्स सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।